व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑब्वियसली ऑन यूट्यूब। और मेरे को बता दो आप सारे कैसे हो, पूछ कैसे से हो, कैसे से हो आप, कैसे से हो आप सारे। मुझे पता है आप सारे बहुत अच्छे होंगे, है ना। तो आज का ब्लॉग होगा, आज हम लोग थोड़ी थोड़ी जगह पे जा रहे हैं। आज जैसे एक पॉपअप है और अभी हम लोग जा रहे हैं उदिता गोस्वामी से मिलने। उदिता गोस्वामी कौन है ये, मतलब सिर्फ 90s के बच्चे उनको जान सकते। नहीं पता उदिता गोस्वामी कौन है, साले वो है ट्रेन चढ़ते और फिर मैं आता हूँ। क्या बोलते हैं, ट्रेन में ब्लॉग होगा। तो अभी हम लोग रुके हुए ट्रेन के लिए, है ना, बोरिवली स्टेशन पे। और हम लोग अभी पकड़ने वाले फास्ट ट्रेन। तो लिली बोलता है कि फास्ट ट्रेन पे चढ़ना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा। मतलब तो मुंबई से हो तो तुमको पता रहेगा यार कि विरार से चर्चगेट जाने में क्या डिफिकल्टी होता है। वही मतलब अगर तुम फास्ट ट्रेन पे चढ़ गए तो मतलब हाँ कर लो, एक काम करो सारे आवाज कर लो, टक 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 बजा दे। अगर तुम लोग ने फास्ट ट्रेन में अगर चढ़ लिए ना तुम, तो मतलब तुम चांद पे चढ़ लिए मेरे हिसाब से, है ना, उतना ही डिफिकल्ट। क्या बोलते अंकल, अंकल भी वेट ही कर रहे हैं फास्ट ट्रेन का। चलो आया, हम लोग अभी अंधेरी पे उतर गए। क्या हुआ पता है, मैं एडजस्ट हो रहा था, एक अंकल आके बोले मेरे को ऐसे हाथ लगाए, अंकल ने पहले मेरे को ऐसे हाथ लगाया। मैंने बोला क्या हो गया, टिकट। मैं बोला अब क्या आगे। मैं लिली को देख रहा हूँ और अंकल घूमे वहाँ पर, अंकल दूसरे से टिकट मांगे। मैं लिली को देख के तुरंत ऐसे ऐसे निकला, निकल। मैं निकला वहाँ से आगे और लिली पीछे मुझे ऐसे देख रहा है, एग्जैक्टली लिली मुझे ऐसे ही देख रहा है पीछे। मैं बोला अब आगे जाके कहीं तो भी लिख के कुछ जुगाड़ करूंगा लिली का। देखा तो पीछे देखा और मेरा हाथ पैर कांप रहे हैं। पच्चीस सौ बहुत महंगा ब्लॉग हो जाता भाई, है ना। फाइनली हम लोग अंधेरी उतर गए। बोलता तू कैसे निकला वहाँ से, मेरे को ये बता। सिनेरियो ऐसा हो गया कि उसने इसको तो मांगा नहीं, मेरे से टिकट मांगा और मेरे पास जो टिकट मेरे से मांगा, बट मैं निकल गया वहाँ से। तो मेरे पास चालू का टिकट था और उसने जस्ट मेरे से टिकट मांगा और मैं मेरे पहले पैक में सिर्फ इतना कर रहा हूँ, देख रहा हूँ बंद कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ फिर बंद कर रहा हूँ। जिसने दो बंदों को पकड़ा, जिसके पास नॉर्मल टिकट था, तो उनसे वो बातें ऐसे कर रहा था और उसके साइड में मैं खड़ा था। फिर वो बातें करते करते ऐसे हो गया, जैसे वो ऐसे हुआ को बोला था भी मैंने, अपने पास नॉर्मल टिकट है नहीं चढ़ते, रिस्क लेते हैं। रिस्क मजा आया, मजा तो आया। मेरे हिसाब से ब्लॉग इधर ही एंड होना चाहिए। इट इज डिफिकल्ट, जा सकते ये हमारा रियलिटी। तो अभी ऐसा खबर मिला है कि हम लोग तो बच गए, बट तेजस्वी और आयुषी को, तो वो लोग को पकड़ लिया अभी टीसी ने, उनका टिकट हमारे पास है। तो अभी अपन जाएंगे वहाँ पर उनको छुड़ा के लाएंगे, दोबारा भाई जाएगा हीरो की तरह। और वहाँ पर है जो जो सही लगता है मैं करता हूँ। और ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, टाइम हो रहा है 11:59, 12 बजे का मीटिंग था, एग्जैक्ट हम पहुंच चुके हैं, है ना। ठीक क्या रहा है, लड़कियाँ क्यों देख रहा है, साले सिस्टर है वो तेरी। ये है एनजे हमारे मैनेजर। उदिता जी
के साथ तो हमारा हो गया। तो यहाँ पर नायल आ चुका है, अभी हम जा रहे हैं तेजस्वी को मूतना है, तो पहले मूतेगी और फिर हम जाएंगे पॉपअप के लिए। पीछे तो देख कौन आया। अभी तो अपने पास ये भी खत्म हो गया बनता है। बोलो हम लोग ने अभी 48 तक ऑफिस चले गए, एडिट कंप्लीट कर लिया, क्रू का गेम खेल लिया, अभी घर जाता है, फिर मैं जाऊंगा जिम, फिर रहेगा घर। और आज के दिन में स्काई बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, ऐसा बहुत कम है कि मतलब स्काई ऐसा दिखता है ना, टेक्सचर वेक्सचर वाला देखने है तुमको, देखा था रुको। लेडीज में तो इन लोग को चटनी बन जाएगा बनते हैं। Alright, तो फाइनली मतलब मैं घर आ चुका हूँ, तो आज का व्लॉग हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं ना, हम लोग मिलते हैं बहुत जल्द। और अभी शायद से मैं नेक्स्ट संडे और उसके बाद का वेनसडे और नेक्स्ट संडे तक व्लॉग नहीं करूंगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा काम है मेरे को। और अगर तुम लोग मतलब ऐसा सोच रहे हो कि मतलब कहाँ गया, क्यों गया, क्या हो रहा है भाई, क्यों हो रहा है भाई, क्या क्यों कैसे, ऐसा कुछ भी रहेगा तो इंस्टाग्राम की स्टोरीज पे मैं एक्टिव रहूंगा, तो तुम लोग वहां पर देख सकते हो कि क्या सीन चालू है। तो वही है, हम मिलेंगे सीधा 9 फरवरी को, 9 फरवरी को 1 साल होने वाला है चैनल को और 25,000 सब्सक्राइबर्स भी ऑलमोस्ट होने वाले हैं ना, तुम लोगों को पता ही है तुम लोगों क्या करने का, फट लाइक मार दो वीडियो को, फट सब्सक्राइब कर दो। और एक बात ये है कि मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा एसी ट्रेन का, जो भी हो गया मतलब बहुत मजा हो गया। मैं तुम लोगों को वही सजेस्ट करूंगा कि तुम लोगों को एडवेंचर करने का तो करो, बट अपने रिस्क पे। ये भी एक मेरे को पता चला है कि एसी ट्रेन में टीसी हमेशा रहता ही है, क्योंकि एसी ट्रेन मेट्रो जैसा खुला हुआ रहता है, तो उसमें देख वेख के चढ़ जाओ, हर दिन संडे नहीं होता, समझ रहे हो। वो तो लिली और मेरा सैटरडे होते हुए भी संडे हो गया, तो वही अपन मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्द, है ना। तब तक के लिए टेक केयर, पीस आउट।